हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। डॉक्टर एपीजे कलाम को इस साल भारत रत्न मिला है और डॉक्टर एपीजे कलाम हिंदुस्तान के जिंदा रहने वाले वैज्ञानिकों में इस समय सबसे ऊपर के व्यक्ति हैं। आपको मालूम है डॉक्टर कलाम की पूरी शिक्षा तमिल में हुई है, अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी नहीं है। बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है काम चलाने के लिए। बचपन से उनकी पूरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई है। वो तमिल अच्छी जानते हैं, मलयालम अच्छी जानते हैं और हिंदुस्तान में आज वो सबसे ऊंची श्रेणी के वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला। दुनिया के ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के मैं उदाहरण दे सकता हूं। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन सारा का सारा काम अपनी मातृभाषा में करता था, जर्मन में, और इसलिए इतना बड़ा बना। फ्रांस में एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लैंक, जिसकी थ्योरीज हमारे जैसे इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे। मैक्स प्लैंक की पूरी शिक्षा फ्रेंच भाषा में हुई थी। तो हम लोग जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला, वो गधे बन जाएंगे, विनाश होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता, गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पर लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता है। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया, बच्चे का खेलना कूदना बंद। और बच्चा अगर खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होने वाला। तो या तो आपने फंसा दिया बेचारा होमवर्क। मैं अच्छे अच्छे घरों में जाता हूं, सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक होमवर्क चल रहा है, कभी खत्म होने में ही नहीं आता। भला हो ऐसे स्कूलों का। और उस होमवर्क में से बना क्या रहे हैं और वो होमवर्क कर क्या रहे हैं, मैं आपको मेरी आप बीती सुनाता हूं, किसी दूसरे की नहीं। मैं भी बचपन में अंग्रेजी में मैं पढ़ा और मैं सबसे ज्यादा गालियां मेरे मां बाप को देता हूं इसके लिए। मेरे पिताजी ने, वो एक बड़े ऑफिसर हैं, ये करने के लिए कि बेटा अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए तो बड़ा बनेगा, तो मुझको भी पढ़ा दिया। अब अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई है, अंग्रेजियत की जो पढ़ाई है, वो क्या है, मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल दूं मेरा। मुझको गणित पढ़ाया जाता था। गणित में क्या पढ़ाते थे, एक फॉर्मूला था जो मुझको रटवाते थे क्लास नाइन्थ में जब मैं पढ़ता था। क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अक्सर इसमें गड़बड़ी होती थी, प्लस का माइनस होता था, माइनस का प्लस होता था, तो क्या होता था, मेरी पिटाई होती थी, क्लास में पिटाई होती थी। और मेरे जो अध्यापक थे तो मुझको खूब चिढ़ाते थे और मुझको खूब उल्टा सीधा कहते थे। एक दिन मैंने यह तय किया कि सब छोड़ छाड़ के ये दो फॉर्मूले रटूंगा। तो रटने के लिए मैं बैठ गया, सब काम एक बाजू में, अब ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में मैं घुस गया। लिख लिख के मैंने किलो किलो कॉपियां बर्बाद कर दी, किलो किलो कागज बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितने बॉल पेन बर्बाद हुए होंगे। और तीन चार महीने की उस भयंकर मेहनत के बाद मुझको कुछ फॉर्मूले याद हो गए। अब वो फॉर्मूले मैं सीख के आया। दुर्भाग्य से मैं बताऊं कि तीन चार महीने के सैकड़ों घंटे बर्बाद करके, अपना खून सुखा के, मार खा के, बेइज्जती बर्दाश्त करके मैंने जो फॉर्मूले पढ़े वो मेरे जीवन में आज तक कभी काम में नहीं आए। और दूसरे बाजू में मेरी मां ने, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मुझको एक फॉर्मूला सिखाया। क्या सिखाया, एक पहाड़ा सिखाया, आधा सवाया डेढ़ गुना ढाई गुना तीन गुना साढ़े तीन गुना, ये मुझे सिखाया और वो मेरे जीवन में रोज काम आता। लेकिन कहा क्या जाता है कि मेरी मां तो पढ़ी लिखी नहीं है, पीएचडी नहीं किया उसने, तो जो बिना पीएचडी होल्डर है, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है आज की भाषा में, उसने मुझे ऐसी चीज सिखाई जो जीवन में रोज काम आती है। और जो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया वो जीवन में कभी काम नहीं आया। और आप अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के जितने क्यूरिकुलम हैं और उसमें बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें से 95% बेकार जाने वाला है,
उस 95% का उनके जीवन में कभी कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं। ये आप कहिए तो मैं जहां कहिए वहां लिख कर दे दूं, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं इस बात को। और वो जो 95% आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे के अगर काम नहीं आने वाला है तो उसके लिए आप लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। उस बच्चे का मन मस्तिष्क आपने दबा दिया है होमवर्क के नीचे, झूठी शान और प्रतिष्ठा में। आप अपने बच्चों को गधा नहीं बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? तो आप पूछेंगे क्या करें, तो मैं आपसे एक बुद्धिमानी की बात निवेदन करना चाहता हूं। वो निवेदन ये करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूलों में से बाहर निकाल लीजिए। और बढ़िया बात, ये कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए भी भेजना बंद करिए कि भारतीय संस्कृति में पिता सिर्फ एक होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में एक फादर भी होता है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि भारतीय संस्कृति में पिता एक ही होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो एक दूसरा फादर भी होता है। तो पिता के साथ यह फादर कहां से आ गया? और अगर पिता के साथ फादर आ गया तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा आपके घर में। हां, यह मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूं आपसे, यह सिर्फ इशारे से समझ लीजिए कि अगर बच्चे की पढ़ाई के साथ पिता के साथ फादर आया है तो और बहुत कुछ चला आएगा आपके बच्चे के संस्कार में। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके देखते देखते आपका बच्चा क्रिश्चियन ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन तो यह करने आया कि जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे निकाल लीजिए। और एक दूसरा निवेदन और करने आया हूं, जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों को डोनेशन देना बंद करिए। हमारा हजारों हजारों रुपए का डोनेशन कॉन्वेंट स्कूलों में जाता। एक बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो कहेंगे बिल्डिंग फीस दे दो, वो कहेंगे डोनेशन दे दो, वो कहेंगे इसकी फीस दे दो, उसकी फीस दे दो। और रोज रोज कोई ना कोई मांग चढ़ी ही रहती है, आज फलाना डे, आज धमाका डे, आज ये ले आओ, कल वो ले आओ। बर्बादी हमारी, माने हम हमारे दुश्मन को अपना पैसा दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मैंने कहीं नहीं देखे जो अपने दुश्मन को अपने घर का पैसा देते हो। आप जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में से निकलने वाले बच्चे भारतीय संस्कृति के विरोधी होने वाले हैं, और उनको यूरोप की संस्कृति सिखाई जा रही है, उसके लिए पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने हाथों से। तो भगवान के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट में से बाहर निकालिए, और अपने बच्चों के नाम पर ये उनको जो डोनेशन दे रहे हैं आप कॉन्वेंट स्कूलों को, वो बंद करिए। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। और ये क्यों है? दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही बात पर अब पहुंचे हैं, जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए, अभी यूरोप के लोग आज उस निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या कहते हैं? बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए, आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए, तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए उसको, तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। अगर वो 1 घंटे में गुजराती में कोई चीज याद करेगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको अंग्रेजी में याद करने के लिए। और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह से, जैसे पोपट होता है ना, रट लेता, वैसे ही रटेगा। और रटने के बाद क्या करेगा? इम्तहान में लिख कर आएगा। इम्तहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद नहीं। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या वो? जो ज्ञान उसको 2 दिन भी याद ना रहे, जो जानकारी उसको 2 दिन भी याद नहीं रहने वाली, उस जानकारी का वो अपने जीवन में करने वाला क्या है? और इसके दूसरी तरफ आप ये करके देख लीजिए, छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से आप उसको कोई बात सिखा दीजिए, वर्षों वर्षों जिंदगी भर उसको वो बात याद रहेगी। मुझे भी याद है, मेरी दादी महा ने कहानी के माध्यम से जो संस्कार मुझ में दिए हैं वो अभी भी मुझे याद है। लेकिन मेरे स्कूल में जो संस्कार मुझे दिए गए वो मैं भूल चुका हूं, क्योंकि विदेशी भाषा में मैंने लिए। तो ये खराब होता। और एक इसी के साथ एक आखिरी निवेदन कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बर्बाद किया है भारतीय समाज को, कम से कम अब अगर हमको ये चेतना आती है तो इसको हम बचाएं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम कॉन्वेंट स्कूलों के बंद कराने का, और वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, अकेला कोई नहीं करेगा। अगर हम सब कॉन्वेंट स्कूलों का बहिष्कार करने का संकल्प ले लें तो फिर से नए गुरुकुल खड़े हो सकते हैं।
जो दान आप कॉन्वेंट स्कूलों को देते हैं वो दान अगर गुरुकुलों को मिलना शुरू हो जाए तो गुरुकुल चलने भी शुरू हो जाएंगे, उनको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, उनको सम्मान भी मिल जाएगा। अगर हमारी गलती से बर्बादी आई है तो वो गलती आज हम सुधार लें। और ऐसे ही एक दूसरी आखिरी बात कि अंग्रेजियत हमारे मन में बहुत गहरे घुस गई है और ये अंग्रेजियत जो होती है बहुत खराब होती है। कई बार मैं कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा से ज्यादा खतरनाक है अंग्रेजियत। महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेज चाहे तो रहें लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। ये अंग्रेजियत क्या है? हमारे सबके घरों में सबके मन में एक तरह का लालच बैठ गया है, हर एक आदमी को इस देश में इंपोर्टेड माल चाहिए, विदेशी कंपनी का माल। किसी भी साधारण से साधारण बच्चे को कहो कि देखो मेरे पास इंपोर्टेड पेन है, तुरंत हाथ फैला देगा, लाओ दे दो। वो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, माने इंपोर्टेड के नाम पर भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती। उसी बच्चे को आप कहिए कि भगवान का प्रसाद है तो हाथ पीछे खींच लेगा, इंपोर्टेड पेन है तो तुरंत हाथ फैला देगा। गुलामी इतने गहरे बैठ गई। और ये जो इंपोर्टेड माल की गुलामी होती है, इसी गुलामी ने हमारे देश को बर्बाद किया है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का माल बिकता था, इसलिए कि अंग्रेजों की गुलामी चलती थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की कंपनियां यहां चलती थी। दुर्भाग्य से आज वही फिर हो गया है, गांव गांव में परदेशी कंपनियां घुस गई हैं, परदेशी कंपनियों का माल घुस गया है, हम सबके घरों में परदेशी कंपनियों का माल आता है। बीपी, शुगर, फैट लिवर जैसी बीमारियों को करें रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।